ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के महासचिव विकास काल्टा ने की। वहीं सोलन विधानसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष अमित ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार को CAA और NRC मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास किया और कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्य को छोड़कर युवाओं को धारा 370 CAA और NRC मुद्दों को लेकर उलझा रही है। सोलन में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के महासचिव विकास काल्टा ने की। वहीं सोलन विधानसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष अमित ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार को CAA और NRC मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास किया और कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों को छोड़कर युवाओं को धारा 370 CAA और NRC मुद्दों को लेकर उलझा रही है। उन्होंने कहा कि इन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश में बढ़ती बेरोजगारी है। देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वे 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन नोटबंदी के कारण नौकरियां युवाओं से छीनी जा रही है, जिसके चलते पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव विकास काल्टा ने कहा कि भारत के युवाओं को NRC नहीं बल्कि NRU यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ इम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जिसमें देश के युवा जो बेरोजगार हैं उनकी सूची हो, जिसके आधार पर देश की नीतियां बनाई जा सकें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री केवल युवाओं की भावनाओं से खेलकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। विकास ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या 14 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। प्रदेश के शिक्षित युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। मेरा मानना है कि 6 साल में जिस तरह से वादे इस देश के अंदर युवाओं से किए गए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज ये रोजगार ना मिलने के बजाय युवाओं को सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को एक तरफ भाजपा की सरकार भटकाने का काम कर रही है और मुद्दे से बाहर जाकर ये लोग देश के अंदर हर तरह से जुमले दे रहे हैं लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का अगर आंकड़ा देखा जाए, आज तकरीबन हिमाचल प्रदेश के अंदर 14 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा हमारा बेरोजगारी का हो गया है। प्रदेश और देश के अंदर NRC और CA जैसे 370 जैसे मुद्दे को लेकर देश के अंदर चर्चा हो रही है। आज देश के युवाओं को NRC की जरूरत नहीं है, आज देश के युवाओं को आज NRU की जरूरत है, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जरूरत आज इस देश के युवाओं को है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर सही मायने में देखा जाए 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में किसानों की अगर आप आत्महत्या की रेशो देखें, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं युवा वर्ग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 40% जो हमारे है 20 साल से 34 साल के जो हमारे युवा साथी है वो बेरोजगार सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही अपील रहेगी प्रदेश और देश के युवाओं से कि आज इस देश की और प्रदेश के युवाओं को NRC और CA की जरूरत नहीं है। आज कहीं ना कहीं ये लोग भाजपा की सरकारें प्रदेश और देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, मुद्दे से बाहर जाके बात कर रही है। लेकिन अगर आज सही मायने में किसी चीज की जरूरत है तो वो NRU की जरूरत है, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इस देश के अंदर और इस देश प्रदेश के अंदर हो कहीं ना कहीं, तब जाके आज रोजगार के नए साधन इस प्रदेश और देश के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं।